एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी देशना खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम के आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि किनारे पर रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने वाले लोग एक एक करके बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो रही थी। अचानक उनमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने पहुंची। उसने कहा, तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ। आज नगर के एक श्रेष्ठ घर में मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत बात याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छिपाऊंगा। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आज आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने कहा, तथागत, जिंदगी भर मैं दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी यूं ही बेकार कर दी। आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपनी सारी दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन हर किसी ने उसका अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है वह उतना ही दान समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है।